तो चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 9th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। बच्चों, इस सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखते हैं दूसरों को सिखाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, आइए क्या लिखा है क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थोड़ी क्वेश्चन रह गए हैं, इवेल्युएट करना है। और क्योंकि मैं एक वीडियो में नहीं बनाता, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, सर की छोटी छोटी वीडियो बनाए ताकि हम आसानी से देख सके। तो यहाँ पर इवेल्युएट करना है। देखो लिखा है 13/26, ठीक है यहाँ पर, और √24 और √54, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है, करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 13/26 यहाँ पर बच्चों ये दोनों रूट में है, तो मैं इनको एक रूट में ले लेता हूँ ऐसे। 24/54 इस तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों। अब देखो यहाँ पर 13 की टेबल से ये डिवाइड हो रहे हैं, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और ये दोनों हो रहे हैं 6 की टेबल से, 6 4 जा 24 और 6 9 जा 54, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है 1/2, और यहाँ पर बच्चों आ गया 4/9, ठीक है। आइए इधर कर लेते हैं, 1/2 इन टू का साइन, क्योंकि ब्रैक ये रूट के और नंबर के बीच में कोई भी निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 2, और 9 का होता है बच्चों 3। तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, तो 2 से 2 कट गया और यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पे 3। तो बच्चों ये आपका आंसर बन गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।